ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को महाराज परीक्षित की जन्म कथा के बारे में सुना रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया था, उस समय दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित का वध करने का प्रयास किया, जो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे। भगवान कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित महाराज की जान बचाई। परीक्षित महाराज भगवान को साक्षात अपने मां के गर्भ में उनके दर्शन कर पाए। और जब उनका जन्म हुआ, हमेशा वो भगवान को ढूंढते रहते थे जिनके उन्होंने दर्शन किए थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित भी पड़ा, क्योंकि भगवान ने उनकी व्यक्तिगत रूप से रक्षा की थी गर्भ के अंदर में, इसलिए उनका नाम विष्णु राता भी पड़ा। तो ये कथाएं सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अब आगे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को विदुर, महात्मा विदुर की कथा बताते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, महात्मा विदुर जो हैं, जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था महाभारत का, उस समय में भगवान कृष्ण जब एक शांति दूत के रूप में आए थे महाराज धृतराष्ट्र से कहने के लिए, दुर्योधन से आग्रह करने के लिए कि तुम युद्ध मत छेड़ो, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम पूरा राज्य उनको वापस नहीं देना चाहते हो, कम से कम 5 गांव पांडवों के लिए दे दो और उस समय युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस समय में महात्मा विदुर ने बड़े ही सुंदर प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाया था, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आया। बल्कि क्या हुआ, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था और भगवान कृष्ण से ईर्ष्या रखता था, वो अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के महात्मा विदुर को उन्होंने घर से निकलने के लिए कह दिया। तो उस समय में महात्मा विदुर जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, अलग अलग पुण्य स्थानों के उन्होंने दर्शन किए। और अब जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है, युधिष्ठिर महाराज, जब भीष्म पितामह ने अपने अनमोल वचन सुनाए युधिष्ठिर महाराज को और अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए भीष्म पितामह ने, उसके पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज सही प्रकार से जो है राज्य को चला रहे हैं, महाराज परीक्षित का भी जन्म हो गया है, तो अब जो हैं महात्मा विदुर, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है, अपने तीर्थ यात्रा से वापस लौट करके आते हैं। तो जब वो वापस लौट करके आते हैं तो सारे पांडव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं,
और उनका भव्य स्वागत करते हैं वापस महल में आने के पश्चात। धृतराष्ट्र और गांधारी वो भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि खासकर धृतराष्ट्र और विदुर में गाढ़ा प्रेम था, उन दोनों में बड़ी ही आसक्ति थी एक दूसरे के लिए। तो वो भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब महात्मा विदुर वापस आ जाते हैं। तो महात्मा विदुर के बारे में बताया जाता है कि ये हैं कौन, उनका परिचय क्या है, असल में महात्मा विदुर कौन है। तो भागवत में इसके बारे में वर्णन दिया है, महाभारत में भी इसका वर्णन दिया है। विदुर जो हैं अपने पूर्व जन्म में वो स्वयं यमराज हैं, लेकिन इस जन्म में उनका जन्म जो है एक दासी पुत्र के रूप में, जिन्हें एक प्रकार से शूद्र भी कहा जा सकता था, उस रूप में विदुर के रूप में दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था। तो इसका कारण यह बताया जाता है कि यमराज को भौतिक संसार में आकर के एक दासी पुत्र, एक शूद्र के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा, उसका रहस्य क्या था, उसका कारण क्या था। तो उसके कई कारण हैं, एक बाहरी कारण है, एक आंतरिक कारण भी है। तो जो बाह्य जो कारण है उसके बारे में बताया जाता है कि एक बड़े महान श्रेष्ठ मुनि हुआ करते थे जिनका नाम था मंडूक मुनि। तो एक बार क्या हुआ, मंडूक मुनि जो है अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में तपस्या में मग्न थे। तो जब वो तपस्या में इस प्रकार से मग्न थे, उस राज्य के अंदर में कुछ उपद्रवी लोग थे, कुछ चोर थे। तो उन चोरों के पीछे जो है राजा ने अपनी सेना भेजी थी उनको पकड़ने के लिए। तो इन चोरों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि मंडूक मुनि का आश्रम जो है, उन्हें लगा कि सुरक्षित स्थान है, यहां पर जो है राजा की सेना यहां पर नहीं आएगी, और उन्हें लग रहा था कि वे वहां पर सुरक्षित हैं। लेकिन राजा की सेना वहां तक भी आकर के पहुंच गई और उन्होंने उन सभी चोरों को, उनको सबको कैद कर लिया, बंदी बना लिया। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने क्या किया, इन चोरों के साथ साथ में मंडूक मुनि को भी उन्होंने जो है बंदी बना लिया और कारागार में उनको भी डाल दिया। तो जब वहां पर राजा की जो सभा होती है उसके अंदर में मंडूक मुनि को मृत्युदंड की सजा प्रदान की गई, और उनकी सजा किस प्रकार की थी कि भाले की नोक से उनको चुभो करके, त्रिशूल की नोक से चुभो करके उनको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो जब ये सजा वो भुगतने वाले थे, जब उनको त्रिशूल से जो है चुभाया जाने वाला था, उस समय किसी प्रकार से ये सूचना राजा को प्राप्त हो गई कि गलती से उनके सैनिकों ने मंडूक मुनि को भी जो है अपराधी सोच करके उनको भी बंदी बना लिया है। तो तुरंत वो पर्सनली वहां पर आए, मंडूक मुनि से उन्होंने जो है क्षमा याचना की और तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि उनको छोड़ दिया जाए। तो मंडूक मुनि तो वहां से छूट करके तो चले गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो अपनी तपस्या में लगा था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था, फिर इस प्रकार का कष्ट मुझे क्यों झेलना पड़ा, क्यों मुझे बंदी बनाया गया, बंदी बनाने के बाद में
क्यों मेरे ऊपर इस प्रकार से त्रिशूल से मेरी हत्या जो है ये करने वाले थे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से मैं छूट गया। तो सीधे जो है वो यमलोक को पहुंच गए, यमराज के पास में, और उनसे जाकर के उन्होंने प्रश्न किया कि तुमने इस प्रकार का दंड जो है मुझे क्यों दिया, मुझे ये दंड क्यों भोगना पड़ा। तो यमराज जी ने कहा कि हे मंडूक मुनि, तुम जब बालक थे, तुम जब छोटे थे, उस समय में तुमने जो है एक कांटे के द्वारा एक चींटी के गर्भ को भेदा था खेल खेल में, और उसके फल स्वरूप, उसके कारण इस प्रकार का दंड जो है तुम्हें भुगतना पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हमने सुना है। देखिए, ये वेदों के अंदर में वृतांत बताया गया है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। कितना महत्वपूर्ण है हमें समझना, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे उसी प्रकार के दुखों को संसार के अंदर में भोगेंगे, उसी प्रकार के फल हमें प्राप्त होंगे। अगर हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम के फल नहीं उगेंगे, उसमें नीम के ही फल मिलेंगे कड़वे। तो जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं, जाने अनजाने में भी, अब कोई सोच सकता है कि भाई अनजाने में मैंने कुछ गलत कर्म कर दिया, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर अपने जो है देश के अंदर में, अपने राज्य में, अगर हम कोर्ट में जाकर के कहें, हम कहें कि न्यायालय में जाकर के कहें कि भाई मैंने अनजाने में गलती कर दी है, मुझे ये ज्ञान नहीं था कि कानून इस प्रकार का है, इस प्रकार के नियम सरकार ने बनाए हैं और मैंने उनको जो है अनजाने में तोड़ दिया है, तो क्या हमें उससे मुक्ति मिल जाएगी दंड से? नहीं, क्योंकि अगर हम नागरिक हैं किसी राज्य के, किसी देश के, तो ये हमारा कर्तव्य है समझना कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, उसको समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा सोचता है कि मैं बच्चा हूं और मैं आग को हाथ लगा दूं और आग मुझे नहीं जलाएगी, तो ये संभव नहीं है। अनजान में भी अगर हम आग में हाथ डालेंगे, जैसे बच्चा अनजाने में डाल देता है तो उसका हाथ भी जलता है, इसी प्रकार से अनजाने में भी अगर हम कुछ कर्म करते हैं, पाप कर्म, तो उसका फल भी भुगतना पड़ता है। तो जब ये जो है इस प्रकार से यमराज जी ने मंडूक मुनि को समझाया, तो मंडूक मुनि जो है क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे यमराज, मुझे लगता है कि तुम इस प्रकार से न्याय के योग्य नहीं हो, तुम्हें न्याय देना नहीं आता है। भला मैंने बचपन में कुछ प्रकार का कार्य कर दिया, कुछ गलती कर दी, और उसकी सजा भी मुझे भुगतनी पड़े, तो ये तो सही नहीं है। तो तुम्हारी सोच विचार सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम धरती पर जाकर के शूद्र का जन्म लोगे, जिसे कोई ज्ञान नहीं होता है। तो तुम यहां पर यमराज के इस स्तर पर हो, इस पोजीशन पर हो, जहां पर तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जिम्मेदार हो, इसलिए तुम शूद्र की भांति जन्म लोगे। तो ये कारण था कि विदुर के रूप में यमराज का जन्म हुआ एक शूद्र के घर में। वेद व्यास उनके पिता थे और दासी जो थी, जो पांडवों के घर में, जो कुरुओं के घर में जो दासी थी अंबिका, उनके गर्भ में, एक शूद्रानी के घर में, उनके गर्भ से जो है उनका जन्म हुआ। तो उनको जो है उस प्रकार का, वो भाई तो थे
पांडु के भी भाई थे, धृतराष्ट्र के भी भाई थे, लेकिन उनको जो है राज्य वगैरह नहीं दिया गया था। धृतराष्ट्र क्योंकि उनसे बड़े आसक्त थे तो उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी उनके लिए, सब कुछ उनको प्रदान किया था, लेकिन सही प्रकार से देखा जाए तो वो राज्य के जो है अधिकारी नहीं माने जाते थे। तो ये जो है विदुर की कथा है, किस प्रकार से उनका जन्म शूद्र के रूप में हुआ। आचार्य बताते हैं ये तो बाहरी कारण है, इसका आंतरिक कारण दूसरा है। इसका आंतरिक कारण ये है कि यमराज जो हैं वो भी एक महाजन कहलाते हैं, 12 महाजन हैं, उनमें से यमराज भी एक महाजन है। तो सभी महाजन जो हैं भगवान का कीर्तन, भगवान की कथाएं जो हैं लोगों को सुनाना चाहते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन यमराज के रूप में उनके इतने सारे कार्य हैं, वो वहां पर इतने बिजी रहते हैं सजा देने के लिए जो लोग दंड करते हैं, जो अपराध करते हैं, कि उनको समय नहीं मिलता है किस प्रकार से भगवान की गाथाएं गाई जाएं। तो जब उनकी इस प्रकार की इच्छा थी कि वो भी भगवान के नाम का प्रचार करना चाहते थे, वो भी भगवान के कीर्तन करना चाहते थे, भगवान की गाथाओं को फैलाना चाहते थे, तब भगवान की कृपा से इस प्रकार का कार्यक्रम बना। ये भगवान की योजना ही थी जिसके द्वारा यमराज स्वयं विदुर के रूप में आए और अब जो है वो भगवान के नाम के प्रचार में, भगवान की कथाओं के प्रचार में लगे हुए हैं। तो और महात्मा विदुर के बारे में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 square feet मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।